नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा में पेट्रोल पंप के पास लगे एक एटीएम मशीन को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उखाड़ कर चोरी कर ले जाने की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वही सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। दरभंगा में दिनांक 14 जुलाई को सुबह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लालबाग दरभंगा के शाखा प्रबंधक द्वारा नगर थाना अध्यक्ष दरभंगा को मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि पंसारी पेट्रोल पंप के सामने लालबाग में लगे एटीएम मशीन को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उखाड़ कर मशीन चोरी कर ले गया है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी को पकड़ा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया, जिसके बाद सभी आरोपी ने स्वीकार कर कहा कि मोहम्मद सोहरा, मोहम्मद साबिर खान, लालबाग लंगर थाना, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनवारुल जाहिस सभी ने पूछताछ में अपराध को अंजाम देने की बात स्वीकार की और कहा कि घटना की योजना 2 दिन पहले से ही बनाई जा रही थी। एटीएम के पास में ही मोहम्मद अफजल का घर है, वही सोहराब आबिद खान और मोहम्मद अफजल एकत्र हुए। अफजल ने एटीएम की चोरी करने का प्रस्ताव दिया। घटना के 1 दिन पहले पूरे इलाके की रेकी कर योजना को अंतिम रूप दिया गया। वही चालक इदरीश को पिकअप गाड़ी लाने के लिए तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ अपराधियों ने लालबाग स्थित एक एटीएम को तोड़कर उसमें से कैश चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन सुबह हो जाने के चलते वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे से भी कम समय में पूरे घटनाक्रम पर भेदन किया और इसमें संलिप्त चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने पिकअप की व्यवस्था की थी एटीएम को खींचने के लिए। सबसे पहले गाड़ी की पहचान सीसीटीवी के आधार पर की गई और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और ड्राइवर ने ही पूछताछ में पूरी योजना का खुलासा किया और तीनों अपराधियों के नाम बताए और उसके बाद तीनों अपराधियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की। सर, इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह जो जिले के हैं उसके लिए कोई गिरफ्तारी हुई है? उनके क्रिमिनल हिस्ट्री का हम लोग पता लगा रहे हैं। एक इनमें से एक अपराधी है जो पहले जेल जा चुका है मारपीट के केस में, और बाकी लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। अगर कोई इस तरह का तथ्य सामने आएगा तो उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।